नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गजेंद्र और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हाईवेज की वीडियोस तो आपने देखी होंगी, जो 4 लेन 6 लेन जो हाईवेज होते हैं उनकी कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं कि उन पे आपको कैसे ड्राइव करना होता है। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक 2 लेन हाईवे पे, जैसे कि ये हाईवे है 2 लेन है, ईच साइड में ईच डायरेक्शन में 1 लेन जा रही है इसकी, तो आपको यहाँ पे 1 ही लेन मिलती है जिसमें आपको ड्राइव करना होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे रोड पे आपको कैसे ड्राइव करना होता है, किस तरह से। दिन के बारे में बताएंगे और रात के बारे में बताएंगे कि रात में कैसे ड्राइव करना होता है इस रोड पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, ऐसे हाईवेज पर जब टर्न आता है, जैसे कि ये सामने से टर्न आ रहा है, तो ऐसे में आपको जो है थोड़ा स्लो कर लेना है गाड़ी को, जिससे कि आगे से कोई गाड़ी अगर स्पीड में भी आ रही है तो वो आपको टाइम रहते दिख जाए। अब यहाँ पे देखिए, साइड में बच्चे भी बैठे हुए हैं, आगे से व्हीकल आ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये लोकल हाईवेज हैं जिसपे किसान लोग हैं, उनके खेत हैं इस तरफ और दोनों तरफ ही जो है इस रोड के, तो वहाँ पे काम भी करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे, रोड साइड पे भी कुछ घास काटते हुए मिल जाएंगे, कुछ काम करते हुए कोई ना कोई मिल जाएगा, तो उनसे आपको जो है बचाना पड़ता है गाड़ी को। और आगे से देखिए, फिर से यहाँ पे एक टर्न आ रहा है। अगर मैं ऐसे टर्न से स्पीड में लेता हूँ गाड़ी को तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आगे ऐसे कौन आ रहा है, दूसरी साइड से कोई आ रहा होगा तो वहाँ पर मैं उसे टकरा सकता हूँ जाके। तो इसका सेफ तरीका यही है कि टर्न आते ही आप गाड़ी को स्लो कर लीजिए, एक्सेलरेटर्स पे जो है थोड़ा कम पैर रखिए, हल्का पैर रखिए, जिससे कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा ना हो, और आप ये देख कर कि आगे से कोई भी नहीं आ रहा है, आप जो है अपना जो गियर शिफ्ट करके या उसी स्पीड से जो है आगे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा जेब्रा क्रॉसिंग जैसा आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसी जगह पे हमेशा स्लो कर लीजिए, क्योंकि ये होता है एक तरह से रास्ता होता है पैदल चलने वालों के लिए, तो ऐसी जगह पे थोड़ा स्लो करके ही चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक 2 लेन हाईवे है, इस पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आगे कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है दूसरे लेन से, दूसरे साइड से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक सेकंड, अरे यार ये बहुत बड़ा गड्ढा आ रहा भाई आगे। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, ये जो बीच में जो डिवाइडिंग पट्टी है जो ये सफ़ेद कलर की, आप इसके पार जा सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं ये तभी रिकमेंड करूंगा जब आगे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर कोई पत्थर पड़ा हो, कोई कांटा कील वगैरह पड़ा हो, तो उससे आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। और ये ऐसा तब तक ही करिए जब तक कि आगे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। आगे से कोई भी व्हीकल आता है, कोई वाहन आता है, तो आपको जो है पूरी तरह से अपनी लेन में लेना होता है। अब आगे से बाइक आ रही है तो मैं पूरी तरह से अपनी लेन में हो जाऊंगा और उसको निकलने दूंगा। अब आगे कोई भी वाहन नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इस साइड में ले सकता हूं, जिससे कि मेरी लेफ्ट साइड भी सेफ चले। ये मैं नए ड्राइवर को तो बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, क्योंकि नए ड्राइवर्स को अंदाज़ा नहीं आ पाता है कभी कभी, जो ऑफ रोड भी चले जाते हैं, क्योंकि इस ऐसे रोड पर तो जगह ही इतनी होती है लिमिट की कि आपकी गाड़ी के सिर्फ दोनों पहिए ही, एक इस लाइन पर रहेगा और एक लेफ्ट हैंड साइड में जो पट्टी है एक उस पट्टी पर रहेगा। तो इसलिए रेकमेंड करूंगा कि नए ड्राइवर जो है थोड़ा अंदर ले सकते हैं जब कोई व्हीकल ना आ रहा हो। अब सामने से ये कंटेनर आ रहा है तो मैं जो है इसको थोड़ा अपनी लेन में ले लूंगा और उसको निकलने दूंगा। अब इसी तरह से आगे से ये वैन आ रही है, इस वैन को भी मैं निकलने दूंगा, अपनी लेन में ले लूंगा और ये भी निकल जाएगी। तो इस तरह से जो है आप पूरी तरह से जो है सेफली ऐसे रोड पर 2 लेन हाईवे पर ड्राइव कर सकते हैं। अब साइड्स में ये व्हीकल यहाँ पे खड़े हुए हैं, टर्न भी आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, थोड़ा मैं ब्रेक ले लूँगा, जिससे कि आगे का जो है व्हीकल मेरे को नहीं दिख रहा है, तो उससे मुझे फुर्सत मिल जाएगी, थोड़ी टाइम मिल जाएगा देखने का। दोस्तों, जिस तरह का हाईवे ये है जिस पर हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, देखिए साइड्स में आप देख रहे हैं कि झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ का माहौल है कि अगर साइड से कोई जानवर निकल आए, कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो, या खेतों में जो फसल बर्बाद करने के लिए कुछ जानवर घुस आते हैं, उनमें से कोई जानवर अगर अचानक से सड़क पर निकल आए तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा चौकन्ना रहना होता है इस रोड पर, ऐसे रोड पर हमेशा सावधान रहिए, कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें ऐसे रोड्स पर।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब दोस्तों ऐसे जो टू लेन के जो हाईवे होते हैं, टू लेन हाईवे, उस पर आपको अगर ओवरटेक करना है तो ओवरटेक आप कैसे करेंगे? पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओवरटेक जो है कम से कम करें ऐसे रोड पर, क्योंकि बहुत रिस्की होता है ऐसे रोड्स पर ओवरटेक करना। और ऐसे जो आगे टर्न आ रहा है, मोड आ रहा है, ऐसे मोड पर तो बिल्कुल ही बचें किसी भी तरह के वाहन को ओवरटेक करने से। अगर आपको ओवरटेक करना है तो एक सीधे जो आपको रोड आगे तक दिखाई दे रहा है, सीधा रोड उस पर करें। अब मैं, मुझे आगे दिख रहा है कि कोई वाहन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है ब्रेकर को पार करके और इसको जो है ओवरटेक कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ओवरटेकिंग को अंजाम देना होता है। अगर मोड है तो मैं फिर से कहूँगा दोस्तों कि आपको मोड पर बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करना है। सीधा रोड आपको दिख रहा है तो ही ओवरटेक करें, और सामने अच्छे से देख कर कि कोई व्हीकल दूर तक आ तो नहीं रहा है, ये चीज़ देख कर ओवरटेक करें। अब यहाँ पे अब एक टी पॉइंट से हम हो लिए हैं दूसरे एक टू लेन हाईवे पर, ये भी एक टू लेन हाईवे ही है। अब इस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ा हम स्पीड में भी चला सकते हैं। इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड लिमिट जो ऐसे रोड्स पर दी हुई होती है वो एक कारण से आपको कम ही दी हुई होती है, क्योंकि दो ही लेन होती हैं, ज़्यादा आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते उस पर, ज़्यादा लेंस नहीं है आपके पास जिसपे कि ज़्यादा व्हीकल रन कर सकें या ज़्यादा स्पीड से आप रन कर सकें गाड़ी को। तो इसलिए एक 50 या 60 की जो है स्पीड लिमिट आपको दी हुई होती है, उसी पर आपको ड्राइव करना होता है। अगर आपके पास एक बाइक है तो जिस तरह से यहाँ पे ये लोग जो है बाइक राइड कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं अपनी, उसी तरह से आपको एक टू लेन हाईवे पर करना चाहिए बिल्कुल साइड में, जिससे कि जो बड़े व्हीकल हैं उनको पूरी लेन मिल सके, उनसे आपका जो आपकी बाइक से उनकी गाड़ी ना टकराए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके अगर आपके पास बाइक है तो थोड़ा आप स्पेस दे के रखिए बड़े व्हीकल को। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो दूसरी लेन है, दूसरे साइड की जो लेन है, उस लेन का जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई मूविंग कार है, कोई बाइक है या कोई बड़ा व्हीकल है, अब उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपनी लेन पर ध्यान रखिए, अपने रोड पर ध्यान रखिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा नहीं आपको कि आप ट्राई करके देखें ये चीज़। आप अगर मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, साइड में से आ रही जो दूसरी लेन से आ रही जो कार है या व्हीकल उसको देखते हैं, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन जो थोड़ा बहुत होता है उसकी वजह से एक ही लेन है आपके पास, और उस लेन से भी आपकी गाड़ी जो है बहक सकती है, इधर उधर जा सकती है, ऑफ रोड जाने का डर है, किसी न किसी में टकराने का डर है। तो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन आपका अपने रोड पर, अपनी लेन पर होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नाइट टाइम ड्राइविंग ऐसे रोड्स पर कैसे होती है। देखिए ये मैंने आपको पहले भी अपनी जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो दो वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई हैं वो आपने ऑलरेडी देख ली होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि नाइट टाइम में जब आप ड्राइव करें तो हमेशा लो बीम पे ड्राइव करें। एक फोर लेन हाईवे पे, सिक्स लेन हाईवे पे वो इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन टू लेन हाईवे पे उसका इम्पोर्टेंस मैं जितना आपको बताऊँ उतना ही कम है। इस पर मैं पूरा जोर दूंगा कि ऐसे टू लेन हाईवे पर जो लो बीम का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस पर आपको बीच में कोई रेलिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई डिवाइडिंग चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आप लो बीम पे रखेंगे तो आपके लिए भी सेफ रहेगा, और जो नेक्स्ट जो आगे से दूसरी लेन से, दूसरी साइड से जो व्हीकल आ रहा है उसके लिए भी सेफ रहेगा। अगर आप हाई बीम पे करते हैं तो सामने वाला ड्राइवर बिल्कुल अंधा हो जाता है, तो इसलिए हमेशा लो बीम पर ड्राइव करिए। रही बात कि सामने वाला अगर आपको जो है हाई बीम पे गाड़ी चला रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये करना है कि आप स्पीड अपनी कम कर लीजिए। देखिए बेवकूफ़ आदमी को आप समझा नहीं सकते, और ना ही गाड़ी रोक के उसको आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो, आप लो बीम पे चलाओ गाड़ी। तो ऐसा इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता और कोई किसी की मानता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लो बीम पर रखिए, और अगर सामने वाला हाई बीम पर आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम कर लें, और कॉन्सेंट्रेशन अपना रोड पर ही रखें, लेन पर ही, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट मत भूलिएगा, नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।